हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड आई एम नाउ आई एम नॉट गुड बिकॉज आई एम इन अ एयरपोर्ट। यस, गोवा एयरपोर्ट, वो भी आधी रात में, जैसे आप लोग देख सकते हो। और शकल का पूरा बैंड बजा है और फ्लाइट का भी काफ़ी टाइम है, तो मैं वेट कर रही हूँ अपने बोर्डिंग का। और शकल देख सकते हो आप लोग, मतलब जिस दिन में, मतलब डे में तो मैंने गोवा थोड़ा बहुत क्या, पूरा डे मैंने गोवा में घूमा। उसके बाद इवनिंग में थोड़ा रेस्ट करा, उसके बाद फटाफट पैकिंग वैक शेकिंग करके भागना पड़ा घर के लिए। तो कुछ कर नहीं सकते, पूरा बॉडी का बैंड बजा हुआ है। और वैसे वेट कर रही हूँ, अभी काफ़ी टाइम है वैसे फ्लाइट का, और वेट पे वेट किया जा रहा। शक्ल आप लोग देख सकते हो, पूरा नींद, आँख में इतनी इतना ज़्यादा नींद है कि आपको मतलब वीडियो में ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा। अगल बगल भी देख रही थी कि काफ़ी क्राउड है, कोलकाता जाने के लिए काफ़ी लोग थे उस टाइम में, और शायद फ्लाइट भी कम था शायद, तो इसीलिए। और आप लोग देख सकते हो मेरे आँख का हालत, पूरा नींद से भरा हुआ है, लेकिन क्या करें, सो भी नहीं सकता। फ्लाइट में जाएंगे तो सोएंगे, और किस हाल में सोएंगे पता नहीं, मतलब अपने आप को होश भी रहेगा कि नहीं रहेगा, आई डोंट नो। तो मुझे नींद भगाने के लिए अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बैठे बैठे सो जाऊंगी। तो फाइनली मैंने अपने लिए ये चाय ले लिया है, और ये चाय मैं क्या बताऊँ, ये मेडिसिन की तरह काम कर रही है। ये चाय बहुत ही बढ़िया चाय था, और इसमें अदरक वगैरह, जिंजर टी बोल सकते हैं। इसको पीने के बाद नींद मेरा गायब हो गया थोड़ी देर के लिए, और फाइनली मैं अपने फ्लाइट पर बैठ चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरा फ्लाइट टेक ऑफ भी हो चुका है। सो बाय बाय गोवा, मिलेंगे फिर कभी जब मौका मिलेगा तब। और अभी तो मैं जा रही हूँ अच्छा खासा भी नींद लेने, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी व्लॉगिंग वीडियो शूट करने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो आप लोग ये शॉर्ट्स इन्जॉय करो जो मैंने लिया है, और मेरा नींद जब खुलेगा मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग शॉर्ट्स इन्जॉय करो। फ्रेंड्स, फाइनली मैं कोलकाता रीच कर चुकी हूँ, और आप लोग देख सकते हो शक्ल का वैसे पूरा नींद वैसे हुआ नहीं, बीच में जो अनाउंसमेंट हो रहा था तो नींद खुली जा रहा था। और खाने के लिए मैंने वो पोहा वगैरह लिया था, तो वो मैंने शूट नहीं करा फ्लाइट में। तो फाइनली मैं घर, और मतलब कोलकाता आ चुकी हूँ, तो अब जा रही हूँ अपने घर की तरफ। और घर जाते ही पहले तो अच्छे से नींद लेना है, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो तब तक आप लोग रोड के शॉट्स एंजॉय करो, मिलते हैं घर पहुंचने के बाद। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, और घर आने के बाद मैं इतना, मतलब कपड़ा चेंज करा मैंने और डायरेक्ट बेड पे। और जैसे कि आप लोग मेरे वीडियो में देखा है, मैंने उतना कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा। लेट नाइट फ्लाइट जैसे होता है तो नींद का तो पूरा ही बैंड बजता है। तो वही, जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ उसके बाद मुझे खुद का ही होश नहीं कि मैं कब सो गई। बस थोड़ा बड़ा मैंने नाइट थोड़ा सा व्यू शूट करा, उसके बाद सो गई। उसके बाद जब लैंड हुए कोलकाता, तो फटाफट भागा भागी करके कैब वगैरह लिया, उसके बाद घर आ गए। और घर आने के बाद कुछ नहीं, कपड़ा चेंज किया, ब्रश वगैरह किया मैंने बस, और फ्रेश वगैरह मैं भी बात नहीं लिया क्योंकि सुबह ज़्यादा ठंड भी ज़्यादा लग रही थी।
बस सो गई डायरेक्ट, और उठी हूँ शाम, मतलब अभी 5:30 बज रहा होगा इवनिंग का, मतलब भयंकर सा नींद लगा था मुझे, तो मैं सोई गई थी। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने फेस को भी जैसे फेस वॉश करना चाहिए था ना, पानी आँख में जाते ही नींद ही गायब हो जाता, इसलिए मैंने बस ब्रश वगैरह करा और फ्रेश वगैरह जैसे कि हो गई थी, बस बाद में मैंने लिया। उसके बाद मैं डायरेक्ट गई बेड पे, एकदम बिंदास सो गई। तो आई होप कि बस जो था मेरा ट्रैवल का लास्ट दिन, 4 या 5 दिन का मेरा ये ट्रिप था, तो बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। और जो चीज़ मुझे, जो मैंने सोचा नहीं था, वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ मुझे, तो बढ़िया लगा। अभी भी आँख में नींद रही है, नींद भी आ रही है बहुत, लेकिन अभी सोएंगे नहीं, अब गर्म पानी वगैरह करके जाएंगे। मतलब वही गर्म पानी से नहाऊंगी, वैसे ठंड भी ज़्यादा है कोलकाता में, और जहाँ गई थी वहाँ गर्मी गर्मी, मतलब गर्मी गर्मी ही था, ठंड का तो ज़रा सा भी असर नहीं हो रहा था। तो बस जो था यही था, और अब टूर प्लान, ट्रैवल डेज फिनिश, वर्क मोड स्टार्ट, वही मेरा ऑफिस का भी, डेली लाइफ का, जो मेरा ऑफिस से आना जाना, घर पे कुछ शूट करो, ब्लॉग करो, बस यही सब चलता रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने ट्रैवल ब्लॉग डाला था, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं भी फेस कर रही हूँ, तो उसका भी आंसर आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा। लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो कि क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो थोड़ा आप लोग वेट करो, सारी गलत फहमियाँ जो है सारे दूर हो जाएंगे। तो जैसे आप लोग सपोर्ट करा है, वैसे सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए, आप वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो मेरा अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में कुछ न्यू कंटेंट के साथ, और मेरे से रिलेटेड कुछ न्यू स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।